अपने शहर और आसपास की खबरें पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को दबाएं। कमिश्नर पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी डी सुडवी जी और एसीपी हरसिमर सिंह चेत्रा ने बताया कि मोहल्ला गोविंदगढ़ में अक्टूबर 2019 को चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत जसवीर सिंह की पत्नी परविंदर कौर ने थाना वारादरी की पुलिस को दी थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना वारादरी के प्रभारी जीवन सिंह और उनकी टीम ने चोरी को अंजाम देने वाले दीपक कुमार उर्फ दीपा पुत्र गुरदत्तावल वासी पटारा, नवजीत कुमार नाना पुत्र तीर्थराम वासी बलीना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से 1 लाख रुपए की नकदी और सोने के आभूषण बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की 3 वारदातों को कबूला है। आरोपियों के ऊपर पहले भी चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साल जलंधर पुलिस कमिश्नरेट में 28/10/2019 अक्टूबर महीने में एक नवी बारादरी थाना में एक बदलरी का केस रजिस्टर हुआ, जो नामालूम व्यक्ति एक घर में ताला तोड़ के गहने वगैरह चोरी करके बच गई। उसकी हमारा लगातार उसमें हम जो अक्यूज़ है उसकी हमने सर्च कर रहे थे। कल जब वो हमारा नाका कहाँ गुरु नानकपुरा में जो हमारा नाका था वहाँ पे दो व्यक्ति मोटरसाइकिल में आए, जब उनको रोके पूछगिछ किया उनादा जो फिर पता चला जो हमारा पहले चोरी हुई है इन बंदों ने चोरी किया है। फिर अभी हम आगे से हम इनसे इन्वेस्टिगेट किए, इसमें से हमें 6 केसेस अभी तक पिछले साल का चोरियां हमने ट्रेस किए हैं। तो 6 केस में 4 केस हमारा कमिश्नरेट पुलिस का है, 1 केस जलंधर रूरल का केस है। इसमें 2 बंदे हैं, एक दीपक कुमार उर्फ दीपा है और दूसरा नवजीत कुमार उर्फ नाना है। ये दोनों बोलिना ताना पतारा दे रहने वाले हैं। इसमें जो दीपक है उसके पहले ही उसके खिलाफ 7 मुकदमाएँ दर्ज है। वो पिछले साल फरवरी महीने वो जेल से बाहर आया, जिस समय से वो जेल से बाहर आया उसके बाद इन्होंने 6 चोरियाँ की हैं। ये हम इसमें हमारा 1 लाख कैश रिकवरी हो गया और एक सोने का चेन 12 ग्राम का हमने नेकलेस रिकवरी किया। इसके अलावा उनसे और भी गहने मिले हुए हैं, लेकिन वो जो गहना है ये असली है या नकली है वो भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। इनसे जो मोटरसाइकिल हमने पकड़े थे वो मोटरसाइकिल भी किसका है उधर भी हम वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल में कोई RC वगैरह कुछ भी हमें मिले नहीं है। और जो दूसरा बंदा नवजीत कुमार है उसके खिलाफ भी एक मुकदमा NDPS का मुकदमा पतारा थाना में दर्ज है। ये दोनों एक ही पिंड के होने करके इन्हों का जान पहचान सी थी। ये दोनों नशे करने का आदि है, ये अपना नशे का जो है उसको पूरी करने के लिए ये चोरियाँ कर रहे थे। मैडम पहले भी इन्होंने के मामले जो दर्ज है चोरी दे मामले दर्ज है कितना? हाँ जी, चोरी दे मामले दर्ज है। जो दीपक कुमार है उसके खिलाफ 7 मुकदमा चोरी दे दर्ज है। जो नवजीत सिंह है उसके खिलाफ 1 NDPS का मुकदमा दर्ज है। और की कम कर दे ये बस नशे करते हैं जी इन्होंने। एनकाउंटर में जलंधर से वरुण की रिपोर्ट।